हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9, तो थोड़ी देर पहले मैं अभी सोकर उठी हूँ। काफ़ी थक गए थे कल ट्रैवलिंग के बाद, बाहर काम भी स्टार्ट हो गया है और मेरा न्यू व्लॉग भी आ चुका है, तो आप फटाफट जाकर उसे देख लो। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। तो बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है खूब अच्छी वाली, और बाहर खाना पीना नाश्ता वगैरह सब बन रहा है, तो चलो बाहर चलते हैं। तो यहाँ काम भी स्टार्ट हो चुका है। तो क्या बना रही हो अम्मा? मिर्च के पकौड़े। अरे वाह, चटपटे। तो मिर्च के पकौड़े बनने तैयार हो गए हैं। नानी माँ क्या कर रही हैं? मैं दाल बनाऊंगी, दाल निकाल रही। तो यहाँ मतलब पूरी खाने पीने की तैयारी शुरू हो चुकी है। चलो ऊपर मौसम देखते हैं। ऊपर बारिश हो रही है। तो मुझे लग रहा है यशु और पैंथर ऊपर ही हैं। ये देखो बारिश हो रही है, अच्छा खासा मौसम है। और तुम दोनों भीग रहे हो। पैंथर, पैंथर। बारिश बहुत हल्की हल्की हो रही है, बट ठंडक हो रही है। तो मस्त मिर्च के पकौड़े और चटनी आ चुकी है, फटाफट खा लेते हैं। मम्मा कैसा लगा? पानी, यशु पानी की बोतल लिया। और मैं मजा आ गया है ना। मजा तो आ गया, बहुत चटपटी मस्त है। हाँ उसी आवाज़ पे भी क्या था। ये देखो, ये पैंथर और यशु ये नहाकर आ गए हैं, और ये यशु ऐसे ही पड़ा हुआ है। जा बेटे, कपड़े कपड़े निकाल दे, बहाना नहीं निकालना। अब तेरे उसमें अमीना भी तो रखे हुए हैं, जाओ लो प्लीज। नहा लेना जाके, अरे कपड़े बारिश में नहा के आ चुका है। बारिश में तो हाँ जा, अब थोड़ा सा पानी अच्छे से शावर कर ले। जा शावर तो कर लो, कपड़े तो निकाल लो। तो पहले तो नहाने तो घुस, बाथरूम में तो घुस। घुस नहाने घुसूंगी, बाथरूम में जाओ। जाऊंगा, कपड़े तो निकाल के दे दो। दे दूंगी ना, जा तो पहले घुस। देखो कितनी हमारी मस्त निकाल ले, तोरिया निकाल ले। रुक जाओ, देख कर आते हैं हम। ये बाथरूम में गया नहीं गया, अभी तक नहीं गया है मामा, यही बाहर ही खड़ा हुआ है। नहीं गया, तोलिया निकाल ले, तोलिया निकाल ले, तोलिया निकाल ले। कपड़े निकाल दो मेरे। यार कपड़े निकाल दो उसके। यशु हमेशा गेम ही खेलता रहता है। क्या कर रही हो मिस्टी? मेरे को भी दो। बेसन के लड्डू, ठीक है। मेहंदी लगाओगी? तुम ना एक्स्ट्रा कभी भी खा लो, लेकिन तुमको ये नहीं है कि। व्हाट आर यू चेकिंग बेबी? मेरा पेपर है ना, बस। आज उसका पेपर है, तो ये एग्जाम की तैयारी कर रही है, व्हाट्सएप की तैयारी कर रही है। नहीं यार, मैं पीडीएफ भेज रही हूं, वो देख रही हूं। ओके, क्या हो गया नानी माँ? क्यों डांट रही हो? किसको डांट रही हो? मैं कह कि भाई कहा करो उसको ना। किसको? मैं बताती हूँ, आज शिवम का बर्थडे है, तो शिवम को मैसेज डाला है इसने, अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगा है। शिवम को मैसेज डाल के बोल रहे हैं हैप्पी बर्थडे शिवम। वो शिवम भैया को? हाँ, और वो तेरे से भी बड़ा है। नहीं है, अच्छा है, बड़ा है, वो बड़े हैं, इससे बड़ा ही होगा। चानू से बड़ा है वो? क्या कहता है उसके कहने से? क्या होता है, कोई सुनेगा तो तुम्हें गंदा बच्चा बताएगा ना, उसको थोड़ी ना बताएगा। देखो तो मेरा बहुत
बंदा है तो बड़ों का नाम लेके बुलाता है। तुम किसको डरा रहे हो? बहुत डरा रहा है। तो गाइस अभी पैंती भाग गया था और अभी हम उसे पकड़ के लेकर आए हैं। एक्चुअली क्या हुआ था कि बाहर कौन पकड़ के लाया, कौन मतलब यशु पकड़ के लेकर आया है, मतलब कुछ भी भागना तो मेरे को भी पड़ा। अरे यशु ने गेट खोल दिया था गलती से किसी को बुलाने के लिए, तो फिर वो पैंती उतनी सी जगह में निकल गया और कैमरा ऑन नहीं था तो आपको दिखा नहीं पाए, तो पैंती निकल गया था बाहर और फिर हम उसे पकड़ के लेकर आए हैं। तो रील्स बना रहे हैं, मेन रोड तक भाग गया था जहाँ पे मैंने देखा था तुम लोगों को वहीं तो मिला था। हाँ तो वहां पे मिला था, मैं फोन वोन सब ले जाना भूल गई वरना वहीं कैप्चर कर लेते, बट नहीं हो पाया। चढ़ गया था लड़ाई हो जाती है यार, बाहर भाग जाता है और लोगों के ऊपर चढ़ता है और उन्हें डराता है, तो लड़ाई तो हुई जाएगी। तो फिलहाल लड़ाई हुई नहीं थैंक गॉड, बट यार बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, डर लगता है कि वो निकल गया। तो अभी उसे बांध रखा है और अभी डांट पड़ी है उसकी, डंडे पड़े हैं। हाँ पिटा है वो, उसे सजा दी जाती है, थोड़ा डंडे पड़े नहीं है, हाँ मतलब कि वही है, डराया जाता है उसे थोड़ा सा। हाँ तो भाग जाता है यार, जब भी मौका मिले उसे तभी भाग जाता है वो, बहुत बहुत दुष्ट होते जा रहे हैं। पैंती बहुत गंदे हो रहे हो तुम, डेढ़ साल का हो गया फिर भी बिल्कुल बिल्कुल मैच्योरिटी नहीं आई है। कब सीखोगे तुम चीजें हैं, कब सीखोगे? बहुत गंदे हो रहे हो तुम। क्यों जाते हो तुम हैं? बहुत गंदे बच्चे होते जा रहे हो पैंती, बहुत गंदे बच्चे हैं, वेरी बैड। बैठा रहता है, रोटियां तोड़ता है। यशु ऐसे नहीं बोलो। और कैसे बोले, कुछ काम करता है तू? मतलब तुम्हें उससे भी जलन है? हाँ, वो भी काम करे। क्या काम कराना है तुमको उससे? मैं अभी आराम से बैठा था। तो तू ऐसा कर, इसका खाना खा लिया कर जल्दी से, खाना तो फटाफट निपटा दिया कर, जल्दी जल्दी काम किया कर। और अगर वो गया ताला बंद करने है तो तुझे पता है ना भाग जाएगा, तो भरोसा नहीं कर सकते कमीने पे। ऊपर का गेट ही बंद कर रहा है तो वो पूरी छत पे नाचेगा, फिर तू पकड़ के लाएगा उसे रात के 12 बजे। कुछ तो काम करवा लिया करो। और पैंथर अगर तू अब भागा ना घर से, इधर देख, बहुत पीटना है इसको। पीटना नहीं है, भाग नहीं देना, कोई इसके पीछे नहीं भागेगा। भाग कहाँ तक भागेगा? ये दोबारा लौट के आया और गेट खट रहा है तो हम पहचाने से हमारा नहीं है, बट भाग जाते है ना मम्मी। अब क्या अगर पैंथर भागा तो इसको पकड़ने कोई नहीं जाएगा, भगा दो चल भाग जा, जब भूखा मरेगा तो फिर वापस आ जाएगा। यहाँ पे जो मजे मिलते ना, पेडिग्री हपक हपक के खा जाता दिन में 3 टाइम, पता लगे ही क्या होता था। फिर वहाँ पे नाली का पानी पी रहे होंगे फिर वहाँ पे पीना नाली का पानी, क्योंकि ढंग का पानी तो कोई देगा नहीं तुमको, बिजलरी का आरो का पानी पी पी के चर्बी चढ़ गई है इनको। एज ऑप्शंस तो देखो और तो क्या, फ्यूचर जब भागेगा तो नाली का ही पिएगा। इतना खतरनाक कुत्ता देख के कोई पकड़ेगा भी नहीं इसको। अरे आज पता है आंटी के ऊपर चढ़ गया था। हाँ लड़ाई हो जाती है, लड़ाई तो कराई देगा किसी से, भाग के किसी के ऊपर भी चढ़ जाता है तो शर्म तो आती ही नहीं बिल्कुल भी। यार खाना खा लो। और यार 1.5 साल का हो गया इसे, इतना बना दिया मम्मी वाले के इसको। तो नानी माँ खाना लेकर आ चुकी हैं और खाना खाने जा रही हैं। अगर मेरा फोन चार्ज नहीं है, चार्जर ले गया चार्जर। हाँ क्यों नहीं, अभी तक शायद तुमने सिखा सकते हो, उससे यही कहो कि पट्टा लेके आओ ना, जाइए घुमाने चलना है। इन्होंने तो उसको शैतानियां सिखा दी। और मैंने ना सिखाई, मैं इतना काम करता हूँ। जब तक ये बाहर थे वो इतना शरीफ बच्चा था ना, जिस दिन से ये बच्चा घर में आया यशु, इसने उसको शैतानी की बिल्कुल हद पार करा दी है।
तभी वो भागता है। अब वो सोच रहा है इधर से जान छुड़ाऊं मैं, कैसे यीशु से मेरी जान छूटे। पहले कहाँ भागता था वो? स्वामी पिछले साल भागा था एक बारी ना, उसके बाद वो कभी नहीं भागा। गुड बॉय बना रहा हो। हम लोग जाते भी थे ताला मारते थे, उससे बोल के जाते थे बेटा घर का ध्यान रखना, बैठा रहता था एकदम। क्यों भागते हो रही थी? और जिस दिन यीशु आया उसने इसको बिल्कुल पता नहीं क्या बना के रख दिया है। कुश्ती करता है उससे और तुमसे ही तो उम्मीद है दीदी, तुम भी धोखा दे रही हो। किसी से कोई उम्मीद नहीं, इनके पकड़ के इतने डंडे पड़ते ना आज, फिर लगता है कि इलाज तो हमें ही कराना पड़ेगा, हड्डी वड्डी टूट गई तो और बुरा हाल हो जाएगा। पेंटी क्या कर रहा है? तो कुछ काम ही नहीं करता, दिन भर लेटा रहता है और खाता रहता है ना मम्मी? और उसका यही काम है, वो घर की रखवाली करता है ना, वो घर की रखवाली के लिए आया है। वो घर की रखवाली नहीं करता, वो घर से भाग जाता है। देख सकते हैं इस मासूम से चेहरे को, जब ये भागता है ना पीछे मुड़ मुड़ के देखता है कैसे भागता है। चलो देखते हैं और क्या कर रही हैं सौम्यदी को, देखते हैं सौम्यदी क्या कर रही हैं। पहले रुक जाओ नानी माँ के भी हाल चाल लेंगे। हेलो नानी माँ, क्या कर रही हो? और ये देख लू वाटर भरने ला रही हूँ। ओ भाई, वो मेरे को अपनी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा यार, तू बहुत गंदा है। क्या विश्वास नहीं हो रहा है? ये क्या है? क्या मम्मी, क्या हो गया? ये क्या हो रहा है भाई आज मेरे साथ? मैंने ये क्या देख लिया? क्या इन्होंने आज बर्तन कैसे मांज रही हैं ये? ओ भाई ये बता रहा है। हाँ ये तो बहुत गंदा है। मम्मा मम्मा इसे समझा लो यार। क्या समझा लो? हाँ बेटा वो कभी कभी तो करती है ना। लॉल बेटा कभी कभी वो कर भी लेती है, ऐसा होता है ना। आज आज आपने देखी मम्मा ने भी हकीकत बोली दी है। देखो जिंदगी में पहली बार बर्तन मांजे जा रहे हैं। अच्छे से मांजना, देखो अभी वो बेलन मजा नहीं है, वो अभी गंदे बर्तन ही है। अच्छा तो ठीक है, मैं तो लगा धुल के भी नहीं हुआ। और टंकी थोड़ी सी हल्के जलाओ। ये बता रहे हैं जो मैंने किचन में घुस रहे हैं।